पिछली किस्त में आपने देखा अजीज के घर में जून को तरह तरह के मजालिम का सामना करना पड़ता है। ससुराल वाले उसके फन को समझने के बजाय उसे आसीब जदा करार देते हैं, ताने और तंज उसका जिगर छलनी कर देते हैं और उसकी शायरी उन तमाम हालात को अपने अंदर समो लेती है। दर्द और गम उसकी शायरी का खासा बन जाता है। जून अपनी बेबसी और बेकसी का रोना रोती है। आगे क्या हुआ आइए देखते हैं। अपने बाप के घर में जाके बजा। कितनी बार बोला मैंने तुम्हें यहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा। कितनी बार बोला तुम्हें? कितनी बार बोला मैंने तुम्हें? कितनी बार बोला मैंने तुम्हें? याद रख जिंदा नहीं रखूंगा मैं तुम्हें। जीना हराम कर दिया है तुमने हम सबका। तेरा ये गाना बजाना बंद करके ही दम लूंगा मैं, समझे? समझे तुम? तुम यहां से चले जाओ, कहीं तुम्हें कोई मेरे साथ देख ना ले। मुझे तो किसी की परवाह नहीं है, लेकिन ये लोग तुम्हारा जीना हराम कर देंगे कमाल। तुम यहां से चले जाओ कमाल। नहीं सुनी, नहीं, कब तक मैं तुम्हारी हालत बर्दाश्त कर सकूंगा? देख देख मेरा कहना मान। क्या कहना चाहते हो तुम? कि मैं तुम्हारे से शहर भाग जाऊं? नहीं कमाल, देखो कमाल, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत नेक हो। तुम ये गांव छोड़कर वापस शहर चले जाओ कमाल। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। मुझे भूल जाओ कमाल, अब तो कोई फायदा भी नहीं है। मैंने अपने फायदे की कब सोची है सुन? काश मैं दूसरे साथ में पैदा न हुआ होता। मैं तुम्हारे दिल को समझती हूँ, लेकिन मैं बहुत बेबस हूँ। तुम्हें मेरी कसम है कमाल, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारी बांसुरी में हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब यहाँ से चले जाओ कमाल, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी कसम सुन, मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। चला जाऊंगा मैं, चला जाऊंगा मैं चला जाऊंगा। Thank you.
क्यों जनाब, क्या हाल है? बस अल्लाह का करम है कि अभी जिंदा है। हुक्म कीजिए हुजूर, क्या खिदमत कर सकता हूँ? अरे मियाँ, हुक्म क्या करना है और खिदमत क्या करनी है। सुना है काफी तबाही मचाई है सैलाब ने इस बार। हाँ हुजूर, सो तो आप खुद भी देख रहे हैं। बस यही आलम है, भूख इफलास और कसम पुरसी का आलम है हुजूर। हाँ मियाँ, लगता कुछ ऐसा ही है। मियाँ, हम ताजर लोग हैं और तिजारत के सिलसिले में ही इधर का रुख किया है। आसपास के गांव भी जा चुके हैं, सोचा इधर चंद्रहार का भी चक्कर लगा ले। अरे तो ऐसा कहिए ना हुजूर, आप ठहरिए हुजूर, मैं गब्बा लेकर आता हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले आइए। अरे वाह, हाँ कितना अच्छा है, लगता है अनंतनाग का गब्बा है। जी हुजूर, कल ही एक गब्बे वाला दे गया, बेचारा उसे भी पैसा नहीं अनाज चाहिए था। गब्बे आधी कीमत पर बेचने को तैयार था हुजूर, लेकिन अपने भूखे बच्चों के लिए चावल की एक मुट्ठी का तलबगार था हुजूर। देखिए मियाँ, वो क्या नाम बताया आपने अपना? संजू हुजूर। हाँ संजू, संजू साहब, अगर हम इन सब जरूरतमंदों के लिए अनाज लाएंगे तो क्या हमें इन सब के बदले में गब्बे मिलेंगे? गब्बों के साथ साथ जाफरान, अखरोट, बादाम भी मिले तो खूब। हम इन्हें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान भेजने का बंदोबस्त करेंगे। भाई आपके बच्चे भरपेट ना सही, थोड़ी बहुत रोटी तो खा ही सकेंगे, साथ में हमारा भी फायदा होगा। चाहे तो अपना भी फायदा बना लो सरजू। खुदा गवाह हुजूर, आपका ख्याल नेक सही, लेकिन लोगों की फाका कशी देखकर अपने फायदे का नहीं लोगों की हालत का गम है। सोच लो सूरजू, हालात भी नामुवाफिक हैं, दरबार में साजिशें हो रही हैं और आवाम का गम किसी को नहीं। अरे मियां सूरजू, ऋतु दरवेश की पेशनगोई भी सही साबित हुई है। कश्मीर में भी कहत पड़ा है और सुल्तान भी पोलो खेलते खेलते अल्लाह को प्यारे हो गए। हमारे नसीब में यही फाका कशी लिखी है हुजूर, और क्या। अरे शुक्र करो मियाँ, अब्दाल खां की साजिशों का खतरा कम हुआ, क्योंकि मरने से पहले सुल्तान ने अपने बेटे यूसुफ शाह चक की ताजपोशी कर दी। देखते हैं हुजूर, हम कश्मीरियों के हाल पर रब कब रहम करता है। अरे खुद पे रहम खाओ संजू, हमें चीजें दिलवाओ और हमसे चावल ले लो। आखिर क्या चाहते हैं तुम्हारे ससुराल वाले? रहने दो, कुछ भी नहीं। कैसे दीवानों की तरह वो पहले तुम्हारा पीछा करता था और अब? बस बस मत करो उस कमीने और निकम्मे की बात, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा दुख ही मेरा सरमाया है। पर कब तक, कब तक तुम खामोशी से सब जुल्म सहती रहोगी? खुद उफ नहीं करोगी तो क्या हम तुम्हारे बदले चिल्लाएंगे? कुछ खामोशियां शोर से भी ज्यादा असर रखती हैं। मेरे सब्र का दामन मेरे हाथ से नहीं छूटना चाहिए। बस लो वो आ गई चुड़ैल, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मेरी वजह से तुम दोनों को परेशानी होगी। जाओ। आने दो इसे, इसे तो मैं मजा चखाऊंगी। हाँ अरे शैतान, ये क्या किया तूने? ये गुनाह है। कोई गुनाह नहीं, अगर तुम्हारी जगह हम होते तो ऐसी सास को हम जहन्नम भेज देते और फिर तुम्हारे उस डरपोक शहर को मैं। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा ना तू चुप रह। अच्छा तो कल दरख्त पर चढ़कर तुमने नाशपति तोड़ी। हाँ कल क्या पता था तुम्हारे घर में? वो जो मुर्गी थी ना, बस चाकू से मार डाला उसे। किसे मार डाला आवारा लड़कियों? मुझे, मैं अभी तुम्हारी खबर लेती हूँ। पता है मुझे, तू मेरे घर में मुझे बर्बाद करने के लिए ही आई है।
या खुदा मुझे इस बदहोश से निजात दिला। ये तुम्हारा घर नहीं पनगट है, अगर जूनी पर हाथ उठाया तो हम तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। तौबा तौबा तौबा, या मेरे खुदा, इसने तो फौज ही बना डाली। ठीक है तू घर आ, मैं तुझे मजा चखाऊंगी। और याद रखना, अगर मक्की के खेत से अगर हार का मटका भर के नहीं लाए तो तुझे भी खाने का कुछ नहीं मिलेगा। को छूने लगी थी माँ, मुझे खा जाएगी माँ, मुझे बचाओ, अफ़ूक कर खुदा ना। अच्छा आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, छोड़ मुझे फिर, आज तो मैं तेरी हड्डी पतली एक कर दूँगी। तूने मेरे बेटे को हाथ लगाया, ऐसे नहीं मानेगी, जान की ना मान जा। मार मार इसको, आज नहीं छोड़ इसको, ऐसे ऐसे मार इसको, जान लेके अगर अपनी जान की अमान चाहती है तो भाग जा अपने बाप के घर, वरना मार डालूंगी तुझे। तू मेरे बेटे की जान लेना चाहती थी, अरे मैं तेरा गला ही घोट दूंगी, मनहूस का ही। मनहूस मनहूस कहेंगी। क्या करती हो रहती, मर जाएगी बेचारी, छोड़ दो इसे। तू कहाँ से आ टपकी, ये हमारे घर का मामला है, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली। अरे ये मनहूस मेरे लाल की जान लेने लगी थी, किसी को पास नहीं देखा तो उसका गला दबाने चली। रहती खुदा से डर, क्यों झूठ बोलती है, मैं सब देख रही थी, ये बेचारी तो इस पर रहम खाकर इसके माथे को हाथ लगा रही थी। अरे वही तो, उसी तरह तो ये मुझ पे जादू टोना करने की कोशिश करती है। समझता हूँ मैं इसकी सब चालें, लेकिन नहीं आने दूंगा मैं इसको अपने पास। हाँ तो फिक्र मत कर, देख मैं इसे कैसे दिन में तारे दिखाती हूँ। ओ मनहूस, चल दरिया से पानी भर करके ला। तू क्या यहाँ खड़ी खड़ी हमारा मुंह देख रही है, चल जा दबाओ यहाँ से। चल बेटा, चल अभी कहाँ कहाँ से चले आते हैं, चल बेटा।
जूनी की सास के लिए है, हाँ? उसे कह देना। हाँ हाँ कह दूंगा। और ये शाल भी उसी के लिए है, हाँ? याद रखना, खुद ही खोल के दिखाना, खुश हो जाएगी वो। अरे मुझे तो नहीं लगता वो खुश हो जाएगी। और ये दूसरा अजीजा के लिए है, कितना जचेगा उस पर ये। और ये दो जोड़े जूनी के लिए है। हाँ? अरे वाह। और ये शॉल भी, ये मैंने खुद बनाया है। कैसी होगी मेरी बेटी पता नहीं, उसका ख्याल आते ही मेरा दिल। अरे तुम्हारा तो हर बात पे दिल बैठ जाता है। अब खुश रहो, पूरे 3 महीने के लिए उसे घर ले आऊंगा। हाँ अगर वो नहीं माने तो उनके पांव पकड़ लेना, अकेले मत आना, कह दिया मैंने। अब मुझसे रहा नहीं जाएगा, शायद शायद मैं अगले साल जिंदा ना रहूंगी। अरे क्या हो गया तुम्हें, खुशी के मौके पे तुम मनहूस बातें क्यों करती हो, है? देखो कभी आइंदा ऐसा किया तो मारूंगा मैं तुम्हें। अरे अरे ये इत्र की शीशी तो रह गई। अरे इसी दिन के लिए तो बचा के रखी थी। अच्छा अभी चलता हूँ मैं, है? अच्छा चलता हूँ मैं, घर का ख्याल रखना। उन्हें कहना कि इस साल फसल खराब हो गई है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर सके। अरे हाँ हाँ कह दूंगा, चलता हूँ। सुनो जल्दी आना। अरे हाँ हाँ जल्दी आ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे करीम लोन। अस्सलाम वालेकुम भाजी काका। कैसे हो भाई, खैरियत तो है? कहाँ जा रहे हो इस तरह गठरी लेकर? अरे भाई इनसे पूछो। मैं तो बेटी के घर जा रहा हूँ, वहाँ सब खैरियत तो है ना? खैरियत होती तो मैं इस तरह तुम्हारे घर इस वक्त नहीं आता आपकी काका। जल्दी बताओ मेरी तो जान निकली जा रही है। अरे पूछना तो रखो, पहले सुनने तो दो कि करीम लोन क्या कहता है। हाँ भाई कुछ झगड़ा चल रहा है जूनी और अजीजा के बीच में। अजीजा ने पंचायत में अर्जी दी है कि उसकी बीवी उसे मारती है। हाय मेरा रब, ये मैं क्या सुन रही हूँ, जूनी और झगड़ा हो ही नहीं सकता, जरूर तुमने गलत सुना होगा। नहीं बहन कुछ भी गलत नहीं सुना है मैंने, पर मैं तो पंचायत की तरफ से ही आया हूँ, गांव में तो तरह तरह की बातें चल रही हैं। काय मेरी मासूम बच्ची, मेरी तो सुबह से ही आंख भड़क रही थी, मैं भी साथ चलूंगी। अरे कहाँ साथ चलोगी, तुम यहीं बैठो मैं जाके देख लेता हूँ, और वैसे भी ऐसे मामलों में औरतों को नहीं बोलना चाहिए। अच्छा चलता हूँ। माफ करना वो तुम्हें चाय के लिए भी नहीं पूछा, हा? चलता हूं मैं, जूनी को घर लेके आता हूं, साथ ही चलते हैं। हाँ चलते।
हूँ।